आखिरकार पहुंच गए हम लोग गुलमर्ग, और ये है हमारा गुलमर्ग का रूम। आप देख पा रहे हो ये हाउस बोट टाइप का ही है। एक्चुअली गुलमर्ग बहुत ही छोटा सा है, और गुलमर्ग में बहुत अच्छे अच्छे कोई होटल्स नहीं है, तो बस काइंड ऑफ यही हमें मिला है रूम। हेलो, तो दैट्स इट। ठीक है, यहाँ इतना अभी ठंडी नहीं है, और ओके सा वॉशरूम है, बट मैं प्रिफर करूँगी कि गुलमर्ग अगर गंडोला राइड करना है। और ये है विंडो से व्यू जो आपको दिख रहा है। सवेरे दिखाते हैं, थोड़ा सा नीचे घूमेंगे तब आपको आगे के व्यू दिखाते हैं। आखिरकार गुलमर्ग में हम घूम रहे, घोड़े से नहीं, और एक्चुअली हमारा गोंडोला राइड मिस हो गया है, क्योंकि हमें इतने टूरिस्ट है तो हमें वो ऑनलाइन टिकट बुक करना था, जो हमने सोचा कि हमें मिल ही जाएगा, तो बस वो बुकिंग नहीं मिला, और फाइनली हमारी वो राइड मिस हो गई जो एशिया की सबसे अच्छा बोलते कि ये गोंडोला राइड थी। बट फाइनली हम ऐसे ही दो चार प्लेस है जो विजिट कर रहे, स्पेशली आपको यहाँ का भी दिखा रहे। थोड़ी सी धूप है पर हवा ठंडी चल रही है, विंडी है, हम यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप सिर्फ हमारे डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स। तो ये है गुलमर्ग मेन, ये जाना जाता है गोंडोला राइड के लिए ही। तो मैं सबको एडवाइस करूंगी कि अगर कोई भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइए, ये मिस करने वाली बात नहीं है। हमें जानकारी शायद नहीं थी पहले से, तो हमारा वो मिस हो गया है, तो वो करके ही गुलमर्ग आइए। अदरवाइज़ गुलमर्ग अभी कुछ नहीं है करने वाला एक्टिविटी। आप स्नो के टाइम पे सर्दियों में आओगे तो शायद आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी यहाँ पे रिलेटिंग टू स्नो, बट अभी कुछ नहीं है। तो सबको एडवाइस करूँगी अगर नज़दीक के समय में आ रहे तो प्लीज़ बुक इन एडवांस योर गोंडोला राइड। तो चलिए कोई एक जगह पे चल के आपसे आगे बात करते हैं। अब फाइनली हम वो जगह पे गुलमर्ग के आ गए जहाँ पे वो गाने की शूटिंग हुई थी, राजेश खन्ना के साथ मुमताज, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर। तो पहले आपको दिखाते ये सब ग्रीनरी जहाँ पे वो गाना शूट हुआ था, और ये वो मंदिर। आप गाना भी कभी देखिएगा तो गौर करिएगा, ये मंदिर है शंकर भगवान का मंदिर है, तो आप सोच ही सकते हो। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, चार पांच दिन के बाद आज मंदिर दिखा, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और ये है भगवान। तो ये है ओवरऑल व्यू बाहर का, और ये है पूरा मंदिर जो बाहर से दिख रहा है। पंडित जी ने वीडियो लेने से मना किया, फिर मैंने बंद कर दिया। ये 107 साल पुराना मंदिर है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे शिवलिंग जो है स्वयंभू प्रकट हुए हैं, तो शिव बाबा के जो दर्शन हो गए आज। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके कि हमने मंदिर देखा और दर्शन भी किए। पीछे आपको जो दिख रहा है ये स्नो वाले माउंटेन्स है, आपको पीछे भी दिख रहे हैं सब, और बहुत सारे हॉर्सेस है, क्योंकि यहाँ इनका इन्हीं से घुड़सवारी करवा के ही आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पे ले जाते हैं। आपको इस तरफ भी दिख रहे होंगे, और
मई महीना है, छुट्टियां चल रही है, आप देख ही सक रहे हो टूरिस्ट। ये है गुलमर्ग का एक नज़ारा। बस एक्चुअली छोटा सा है गुलमर्ग, बहुत ही छोटा सा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लाइंग विद नम्रता। फाइनली गुलमर्ग की हमारी मॉर्निंग है, जल्दी उठ गए, जल्दी तैयार हो गए, अब ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर से चल देंगे हम श्रीनगर की ओर। आपको दिखाते हैं मॉर्निंग का व्यू। ये हमारी होटल से जो व्यू दिख रहा है वो है, और होटल की ओर ब्रेकफास्ट टाइम है, सब ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स गो। आलू पराठा 3 बटर